मैं तो चाहता हूं देश में, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। यात्रा पर तो एक और नेता निकले हैं, राहुल गांधी, उनकी फिटनेस कैसी लगी आपको? राहुल गांधी जी की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल फिटनेस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करने का सबको अधिकार है। हालांकि मार्शल आर्ट भी सीख चुके हैं, योग, फिटनेस राहुल गांधी की भी है। हालांकि क्या उनके लिए कोई राजयोग है? उनके लिए कोई राजयोग है क्या? उनको आपने इधर आमंत्रित नहीं किया, देखो ये भी आपने पक्षपात किया। शायद यात्रा में होंगे इसलिए ना, अब आप मेरे सामने हैं तो मार्शल आर्ट वो सीख चुके हैं और फिटनेस के बलबूते जिस तरीके से यात्रा पर वो निकले हैं, अब बाबा जी की भी अगर मार्शल आर्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कुछ राहुल भी इससे सीख लेंगे। अभी मार्शल आर्ट भी दिखाऊंगा आपको। राहुल गांधी जी ने जो पहली यात्रा की दक्षिण से और उत्तर की ओर, उसका फायदा हुआ उनको। आज उनका राजनीतिक वजूद बच गया क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना वो जीत गए। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जो भी कोई पुरुषार्थ करता उसको कुछ तो फल मिलता ही है। यदि राहुल गांधी यात्रा न करते तो कर्नाटक और तेलंगाना इनके हाथ में ना आते। तो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं, सबको अधिकार है इसमें। जहां तक अब देखो फिटनेस की बात है तो आपने मेरे साथ बहुत योगा किया, पहले इधर आओ। और अब सुनो, आप लोगों को भी एक बात कहता हूँ, ये ठीक है ये बतियाना, ये सब इंटरव्यू देना, हेडलाइंस बनाना, हेडलाइंस तो हम 10 मिनट में 10 बना सकते हैं, लेकिन फिर उस बाद में फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये वाला जो कार्यक्रम है ना, भारत के व्यक्ति को देखो, बचपन में भी बचपन जैसी स्फूर्ति होनी चाहिए।